हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो है AHDP 2020 के जो जितने भी कॉलेज हैं उनकी फ़ी के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी कॉलेज है, कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज कौन सी है, प्राइवेट कॉलेज में जो है फ़ी कितनी लगती है, और जो है अगर हम अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपकी रिफंडेबल फ़ी कितनी है। संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में आपके जो है डाउट है वो संपूर्ण जो है क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारी टॉप कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर की अगर बात करें तो इसकी जो प्रोफेशनल फ़ीस है ना, देखिए अगर हम प्रोफेशनल फ़ीस के बारे में बात करें तो इसकी जो है 40,000 रुपये प्रोफेशनल फ़ीस है, यानी ये तो आपको देनी ही होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसकी जो रिफंडेबल फ़ी कितनी है तो इसकी जो रिफंडेबल फ़ी है वो है 1,650 रुपये। नॉन रिफंडेबल फ़ी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल फ़ी है 4,350, और ये किस किस को है, किस किस कैटेगरी को, वो है OBC SC एंड ST कैटेगरी को, ठीक है, एंड गर्ल्स के लिए। जनरल बॉयज़ के लिए जो है 14,350 रुपये है, ठीक है ना, जनरल बॉयज़ के लिए। इसकी जो टोटल फी है कि अगर हम बात करें टोटल फी की तो देखिए टोटल फी है इसकी 46,000 रुपये OBC SC एंड ST के लिए एंड गर्ल्स के लिए। उसी के साथ अगर हम जनरल बॉयज की अगर बात करें तो जनरल बॉयज को जो है 56,000 रुपये के साथ में जो है आपको जो है बीकानेर के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो वो है यहाँ पर हमारे चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अलवर में, ठीक है ना। तो इसकी जो अगर हम प्रोफेशनल जो फ़ी की बात करें तो वो तो रहेगी 40,000 रुपये, यानी ये सभी में जो है सेम है 40,000 रुपये। इसके साथ में अगर हम इसकी बात करें कि सर इसमें रिफंडेबल फ़ी कितनी होगी तो इसमें रिफंडेबल आपकी फ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, नॉन रिफंडेबल की बात करें तो वह है 23,000 रुपये, ठीक है ना। अगर हम टोटल फ़ी की बात करें अलवर की कॉलेज के लिए तो वह 63,000 रुपये, OBC SC एंड जनरल जो है सभी के लिए कितनी होगी, 63,000 रुपये होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कॉलेज वो है दीन बंधु शिक्षण संस्थान, ठीक है, जो कि अलवर में है। उसकी जो अगर हम प्रोफेशनल फ़ी की बात करें तो वो रहेगी 40,000 रुपये, और उसके बाद में आपको जो रिफंडेबल फ़ी है वो नहीं है और नॉन रिफंडेबल फ़ी भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यानी टोटल जो है वो आपको जो फ़ी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 40,000 रुपये, ठीक है, अगर आप अलवर में जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है मेरिट लिस्ट में। फिर यहाँ पर हमारे जो कि एक अलवर में और है, इसके जो देखिए जो कोड है यहाँ पर कोड दिए गए, यहाँ पर 03 कोड है और यहाँ पर देखिए 04 कोड, यानी अलग अलग कोड होते हैं, जैसे कि 05 है, 06 है, और बीकानेर के कॉलेज के भी कोड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नीमराना अलवर में, इसकी जो अगर हम प्रोफेशनल जो है फ़ी की बात करें तो वो रहेगी यहाँ पर 40,000 रुपये। रिफंडेबल फ़ी की बात करें तो वो बिल्कुल भी रिफंडेबल फ़ी नहीं है, नॉन रिफंडेबल जो है 22,000 रुपये, और अगर हम टोटल फ़ी की बात करें तो वो है 62,000, ठीक है, 62,000 रुपये जो है आपको इसकी टोटल फ़ी देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं श्री छोटूराम LSA जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारा फतेहपुर सिकर रोड भरतपुर में है, जिसके आपको कोड भी दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रोफेशनल फ़ी है वो है 40,000 रुपये, रिफंडेबल फ़ी 6,000 रुपये, और नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो है यहाँ पर हमारी 16,000 रुपये। अगर हम टोटल फ़ी की बात करें तो वो है 62,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है ये सभी में अगर आप जो है अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, देखिए ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, एक लिस्ट नहीं है, एक लिस्ट नहीं है, काफ़ी लिस्ट है, 2-3 लिस्ट है, तो सभी के जो बारे में है मैं आपको अभी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉलेज जिनमें आपको रिफंडेबल फ़ी जो है वापस से भी मिलती है, तो एक तो देखिए यहाँ पर हमारी बीकानेर की कॉलेज फर्स्ट है, सेकेंड है यहाँ पर हमारी जो कि श्री चतुर्राम जो LSA ट्रेनिंग है ना इंस्टीट्यूट फतेहपुर में, वो यानी फतेहपुर जो है ना भरतपुर वहाँ पर, उसमें आपको रिफंडेबल फ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन से में, तो वो है MB यानी इसके जो डूंगरपुर की जो है ना कॉलेज, वहाँ पर आपको जो है 5,000 रुपये का दिया जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑनकोर, अगर देखिए अगर काफ़ी स्टूडेंट को ये भी जो है रहता है कि सर इसकी टोटल फ़ी है वो क्या अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है, जी हाँ अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बीकानेर कॉलेज की बात करें तो वहाँ यहाँ पर आपको जो है 46,000 यानी 46,000 रुपये टोटल फ़ी है। वहीं अगर हम जो है अलवर की बात करें तो 63,000 रुपये, और देखिए अलग अलग कॉलेज में 40, 62, 55, 60, 56, 40, 70, 48, ऐसे जो है अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर रहता है। और भी कई कॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट लेविस्टोक असिस्टेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि अजमेर रोड जयपुर में, देखिए ये कॉलेज भी जो इसकी जो टोटल फ़ी की बात करें तो वो 55,000 रुपये रहती है।
नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो 15,000 रुपये है। और देखिए एक जो है राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री न्यू सांगानेर रोड जयपुर में, जिसकी आपको जो है प्रोफेशनल फ़ी 40,000 रुपये। उसके बाद में रिफंडेबल फ़ी की बात करें तो वो है 1,000 रुपये। उसके बाद में नॉन रिफंडेबल फ़ी 15,000 रुपये। और टोटल फ़ी की बात करें तो 56,000 रुपये, ठीक है ना। और जो एक देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बस्ती चौक जयपुर, इसमें आपको जो बिल्कुल भी फ़ी नहीं देनी होती, यानी बिल्कुल भी आपका अगर एडमिशन इसमें हो जाता है तो आप जो इसमें फ्री से भी जो है कॉलेज कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नील नील नील, यानी आप इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम ऐसे कॉलेज की और बात करें तो ऐसे कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है एक देखिए एक कॉलेज और है जिसमें आपको जो है रिफंडेबल केवल 40,000 रुपये लगते हैं। एक देखिए एक यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रतनाड़ा जोधपुर में, जो कि बिल्कुल भी जो है फ्री है, इसमें भी जो है आपको बिल्कुल भी फ़ी नहीं देनी होती है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में अगर आप ये कॉलेज चूज़ करते हो और अगर आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर इतने नंबर बन जाते हैं तो आपको ये कॉलेज जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें भी आपको जो है बिल्कुल भी पैसा नहीं देना होगा। ऐसे भी कई कॉलेज है जिसमें आपको जो है नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल कुछ भी नहीं देना होगा, केवल 40,000 रुपये में ही है आपको जो है पेमेंट जो है वो है ना सीट दे दी जाती है। तो ऐसे भी कॉलेज की जो है आप यहाँ पर मुझसे देख सकते हो, जो कि जोधपुर में है, जोधपुर में करौली में भी है, ठीक है। तो आप इनके कोड भी रख सकते हो और ये जो PDF है मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वहाँ से भी जो आप आसानी से देख सकते हो। तो चलिए और बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से कॉलेज है जिनके जो है बिल्कुल भी वो जो फ्री कॉलेज है। तो एक कॉलेज अगर की और बात करें तो यहाँ पर देखिए एक कॉलेज है यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट पशुराम प्लांट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है कि कोटा में, यहाँ इसमें भी देखिए आपको बिल्कुल भी जो है इसमें पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी फ्री कराई जाएगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर, तो एक कॉलेज है यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेतक करो उदयपुर में है, जो कि इसमें भी आपको जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, नहीं लिया जाएगा, इसमें भी आपको जो है फ्री कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कॉलेज ऑफ वेटरनरी एनिमल्स नवानिया उदयपुर वल्लभ नगर की, तो उसमें आपकी प्रोफेशनल फ़ी 40,000 रुपये, रिफंडेबल 1,650। और देखिए यहाँ पर हमारी नॉन रिफंडेबल और टोटल फ़ी के बारे में भी आपको बताया दिया, ये दोनों जो है बीकानेर के सेम टू सेम यहाँ पर आपको जी दी गई है। उसके बाद में अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि और कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो देखिए और अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इनमें देखिए जैसे हम चल रहे तो यहाँ पर देखिए एक कॉलेज आ रही है जो कि धौलपुर में, लेकिन इसके आपको जो है 40,000 रुपये देने होंगे, 40,000 रुपये देने होंगे, और मुझे नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो। और जो है देखिए इतने ही गवर्नमेंट कॉलेज है, और सभी में जो है आपको देखिए ये जो प्रोफेशनल फ़ी है ये तो आपको देनी ही होगी, उसके साथ में आपको कहीं में रिफंडेबल फीस मिल जाएगी और कहीं में आपको रिफंडेबल फ़ी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, और भी अगर आपको कोई भी कॉलेज से संबंधित कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका जो है रिप्लाई आसानी से दे दूँगा।